आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपने YT स्टूडियो पे और यहाँ पे एक चीज़ आपको हम क्लियरली दिखा दें कि यहाँ पे देखिए ये एक वीडियो है और इसका तकरीबन एक मंथ हो रहा है अभी अपलोड किए हुए और इस पर 1 लाख यहाँ पे व्यूज़ आ चुका है। तो ये 1 लाख व्यूज़ आया कैसे है ये चीज़ हम आपको बता दें। तो देखिए सारा कुछ जो डिपेंड होता है वो आपके SEO पे होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप अपने वीडियो को SEO कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो की जो खास बात है वो हम आपको बताने वाले हैं vidIQ एप्स में ले जाकर, और वहाँ पर सारी कुछ डिटेल्स हम आपको क्लियरिटी के साथ दिखाने वाले हैं कि इस वीडियो का टैग, डिस्क्रिप्शन और टाइटल में कौन कौन से कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे सेट किए हैं, अपलोड किए हैं, तब जाके इसकी जो आप देख सकते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो अभी तक के वीडियो में मेरा ये रैंकिंग बाय व्यूज़ की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पे चल रहा है। व्यूज की अगर बात की जाए तो 1 लाख प्लस यहाँ पे व्यूज आए हैं इस वीडियो पे, और इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट अगर CTR की बात करें हम तो 17.0 यानी ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई भी वीडियो का इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट आपका 10 से ऊपर होता है तो वो वीडियो डेफिनेटली आपका वायरल में जाएगा, YouTube सर्च में जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको हम बता दें कि इसका 17 ही नहीं, इसका 20 से भी ऊपर गया है इंप्रेशन क्लिक थ्रो रेट की अगर हम बात करें तो ये वीडियो वायरल तो हो चुका है। आप देख सकते हैं रियली जो इसका व्यूज है वो 1,04,450 के करीब इसकी व्यूज आई हुई, और इसकी वॉच टाइम की अगर हम बात करें तो सिर्फ इस वीडियो से 4 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो चुका है। जो भी न्यू यूट्यूबर हैं, न्यू चैनल ओपन करते हैं तो वो सोचते हैं हमारा 1K सब्सक्राइबर, और यहाँ पे 4,000 घंटा वॉच टाइम बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग होता है उनके लिए। तो आप देख सकते हैं विथ प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि सिर्फ एक वीडियो से 4,000 घंटा का वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो गया सिर्फ 1 मंथ में। तो ये सारा कुछ डिपेंड होता है आपके SEO पे। सब्सक्राइबर्स की अगर बात की जाए तो 234+ सब्सक्राइबर्स यहाँ पे आए हुए हैं इस वीडियो से। डॉलर आप देख सकते हैं आपके सामने लगभग $26 इस पर बना हुआ है। और रीच की अगर बात की जाए कि सिर्फ YouTube इस वीडियो को कितना प्रमोट किया है यानी इंप्रेशंस भेजा है तो वो 5 लाख के करीब यहाँ पे इंप्रेशंस भेजा है लोगों के मोबाइल ब्राउजर पे। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा जब भी आप न्यू यूट्यूबर हैं या वीडियो आप अपलोड करेंगे तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि SEO होता क्या है। देखिए टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह को सही से सेट करना ही SEO होता है। सारी कुछ डिटेल्स अभी हम आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं यूनिक जो व्यूअर है वो 78,000 के करीब यहाँ पे आए हुए हैं, और वॉच टाइम जैसे कि आपको हम अभी बता चुके हैं आप देख सकते हैं। ऑडियंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एज की, और यहाँ पे नीचे जो टॉप परफॉर्मेंस में अभी चल रहा है ये वीडियो। तो चलिए हम देरी ना करते हुए vidIQ जो ऐप से उस पर हम चलते हैं और वीडियो की क्या खास बात है ताकि ये वीडियो 1 लाख के व्यूज़ के करीब पहुँच चुका है। हालांकि नॉर्मली मेरे वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ कभी नहीं आता है, ना ही उतने सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ये सारा कुछ SEO के कारण ही हो पाया है। तो वो चीज़ आपको हम समझा देते हैं। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं vidIQ ऐप्स में, और यहाँ पे इस वीडियो की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 लाख के करीब यहाँ पे व्यूज़ आया हुआ है। तो सिंपली इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें हम इसकी टैग्स की तो इसकी टैग देखिए कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे टैग्स फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं। ये सारे टैग्स हाईली रिकमेंडेड जो यहाँ पे शो हो रहा है यूट्यूब पे वही टैग्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं vidIQ में आकर के, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपने वीडियो क्रिएट किया है तो उस कैटेगरी में आपकी जो टैग्स है वो कौन कौन से वायरल टैग्स हैं और उसी टैग को यहाँ पे आपको लगाना है। आप देख सकते हैं सारे जो टैग्स आपके 50 से ऊपर मिलेंगे, 50 से ऊपर इसकी रेशियो है। और यहाँ पे SEO की अगर बात की जाए तो 100 में से 96% रेशियो इस वीडियो का है, यानी ये वीडियो डेफिनेटली वायरल होने ही वाला था यहाँ पे बता दें, क्योंकि इतना तगड़ा इसका जो है कि SEO यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 में से 96 रेशियो बना हुआ है, और एक्शनेबल आइटम जो है यहाँ पे यानी 50 में से 46 के करीब यहाँ पे ये पूरा हो चुका है। जैसे अगर टैग काउंट की बात की जाए कि 500 वर्ड में आपके काउंट यहाँ पे की जाती है टैग्स को, तो वो भी यहाँ से 5 में से 3 यहाँ पे पूरा हो चुका है इस वीडियो में। टैग जो वॉल्यूम है यानी जो इसका रेशियो है वो यूट्यूब पे अभी क्या हो रहा है तो वो भी आप 5 में से 5 यहाँ पे मिला हुआ है। कीवर्ड्स इन टाइटल, टाइटल आप देख सकते हैं टाइटल का जो कीवर्ड्स है वो भी यहाँ पे सर्चेबल है तो वो भी यहाँ पे 5x5 पूरा हो चुका है। और कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन यानी जो आपकी जो कीवर्ड्स होती है वो डिस्क्रिप्शन में भी होनी चाहिए टाइटल के कीवर्ड्स, तो वो भी यहाँ पे है। और सेम कीवर्ड यूज इन टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग यानी टैग्स हो गया आपका, टाइटल हो गया, वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में सेम कीवर्ड में अगर हैं तो वो भी आपको यहाँ पे एक रेशियो में SEO बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वो भी यहाँ पे मैंने पूरा कर चुका है। और जो ओवरऑल अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो वो 50 में से 50 यहाँ पे अभी शो हो रहा है, यानी टैग फॉर सर्च टर्म्स दिस वीडियो इज रैंकिंग फॉर 5x5 यानी जो आपकी सर्च टर्म है उस क्षेत्र में यानी जिस भी कैटेगरी से वीडियो आपने बनाया है अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, अगर ऑडियंस उस कैटेगरी से रिलेटेड अगर कोई यूट्यूब सर्च पर जाकर सर्च करती है तो आपका वीडियो उस कैटेगरी में सबसे पहले स्थान पर आएगा, वो होता है आपका परफॉर्मेंस। तो वो चीज़ यहाँ पे रैंकिंग बाई व्यूज़ की अगर बात की जाए तो वो पहले स्थान पर है। और जो उस कैटेगरी की अगर बात की
जाए तो उस कैटेगरी में भी पहले स्थान पर यहाँ पे शो हो रहा है। और जो इसकी टैग जैसे कि बात किए हम टाइटल और इसका जो टैग है उसका वैल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। और आपको बता दें कि जिस वीडियो का टैग और टाइटल ये चीज़ अगर वैल्यूम उसका हाई है यानी सर्चेबल है, काफ़ी ज़्यादा सर्च किए जाने वाला उसका टैग और टाइटल है, तो डेफिनेटली आपका वीडियो वायरल जाने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सबसे पहले जिस भी कैटेगरी से आप वीडियो बना रहे हैं तो उसके जो टैग्स हैं उसकी जो वैल्यूम है वो हाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं अगर चेकलिस्ट की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे आपको बताया जाता है चेक करके कि आपकी जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह में क्या कमी है, पब्लिक आप किए हैं कि नहीं किए हैं। वन टैग कम से कम डिस्क्रिप्शन में आपका ऐड होना चाहिए, टाइटल में ऐड होना चाहिए, आपके लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए उस वीडियो का, हैशटैग आपने लगाया है डिस्क्रिप्शन में कि नहीं लगाया है। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके SEO का जो स्कोर है वो एक जो है कि लेबल में आता है, तो वो चीज़ आपकी वीडियो वायरल होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइटल आप देख सकते हैं, टाइटल लेंथ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये लगभग 60 जो है कि आपके वर्ड्स में आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 78 यानी 78 गया है तो उसका कोई ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि टाइटल जो है कि छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए जो लेंथ है वो अच्छा खासा आपका मिल जाता है 5000 वर्ड में, तो ये लगभग आपकी जो है कि 700 वर्ड जो है कि मैंने यहाँ पे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। और वो सारी चीज़ आपको बता दें कि टैग्स और टाइटल भी उसमें शामिल हैं, तो इसीलिए इसका वैल्यूम और ज़्यादा हाई हो गया है। और जो टैग्स और का लेंथ होता है जो 500 वर्ड का जैसे पहले ही आपको बताया है, तो वो 463 के करीब मैंने जो है कि टैग्स भी लगाए हैं, तो और सारे जो टैग के जो वैल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हुए हैं। मेड फॉर पब्लिक यानी पब्लिक तो ये ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, तो यहाँ पे ग्रीन टिक मतलब ये सारी चीज़ें जो आपकी ग्रीन टिक हो रही हैं इसके अनुसार आपने इसके टर्म एंड कंडीशन इसके जो जो इसके अकॉर्डिंग आपने पूरा किया है अपना, तभी ये ग्रीन टिक आपको मिलता है। अगर यहाँ पे कहीं आपको रेड टिक मिल जाएगा तो सबसे पहले वहाँ पे आपको चेंज करना है, यानी अगर एड वन टैग इन टाइटल, अगर एक जो आपका टैग है वो टैग कम से कम टाइटल में मेंशन होना चाहिए तभी यहाँ पे आपका ग्रीन होगा। अगर यहाँ पे आपका रेड अगर शो हो रहा है तो आप समझेंगे कि हमारा जो कोई ना कोई टाइटल है वो यहाँ पे टैग में मेंशन करना है, या टैग कट उठा करके आप टाइटल में मेंशन कर देंगे तो ये चीज़ आपका ग्रीन हो जाएगा। और ऐड वन टैग इन डिस्क्रिप्शन, अगर आपका जो यहाँ पे अगर बता रहा है रेड का निशान, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई एक टैग को उठाना है अपने 400 वर्ड में से, और उसमें से कोई एक टैग आपको या पूरा टैग भी आप जो है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि हर एक टैग के बाद कोमा लगा होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको बाद में फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर हर एक टैग के बाद आपको कोमा लगाना है और वो चीज़ डिस्क्रिप्शन में भी मैंसन करना है, तो तभी आपकी SEO जो स्कोर है वो हाई जाएगी। और लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आपकी जो चैनल का लिंक है, आप चैनल लिंक, सोशल मीडिया लिंक, प्रोडक्ट या कोई सर्विस आपका है या कोई टिप्स आप दे रहे हैं तो उसकी भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी SEO स्कोर बढ़ाने में, तो इस चीज़ का भी आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। और नीचे यहाँ पे हैशटैग की बात की जाए तो हैशटैग आप जैसे कि पता होता है शॉर्ट वीडियो चाहे आप अपलोड करें चाहे आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करें तो उसमें उस कैटेगरी से रिलेटेड हैशटैग को लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वायरल कीवर्ड्स होते हैं जिसमें हैशटैग लगा होता है। तो आप इस चीज़ से भी अवेयर रहिएगा कि जब आप वीडियो अपलोड करें तो उस कैटेगरी से रिलेटेड कोई हैशटैग जो है कि यूट्यूब पर सर्च करेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे फिर उसको कॉपी करके आप डिस्क्रिप्शन में भी मैंसन कर देंगे। तो इन सारे तरीकों को अगर आप अच्छे से करते हैं, जो इनकी क्राइटेरिया होती है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो SEO स्कोर हाई जाएगी। और एक बार जो आपकी SEO स्कोर अगर हाई चली गई तो फिर आपकी डेफिनेटली जो वीडियो है वो यहाँ पे वायरल होने वाले हैं। और अभी आप लाइव प्रूफ के तौर पे अभी आप देख सकते हैं कि 1,00,000 के करीब यहाँ पे व्यूज गया है मात्र यहाँ पे 36 डेज एगो आपको बात करें हम, हालांकि इनसे पहले भी काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो अपलोड किया है लेकिन ये उन सभी वीडियो में से पहले स्थान पर अभी चल रहा है। डिस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लगाया है योर क्वेरीज करके, और सारे टैग्स को मैंने एक एक करके कोमा लगा के मेंशन कर दिया है। तो इस प्रकार से आप भी करेंगे तो आपकी SEO स्कोर है जो वो हाई जाएगी, और एक बार हाई जाएगी आपकी SEO स्कोर तो डेफिनेटली आपका जो वीडियो है वो वायरल होगा, और जब वायरल होगा तो यहाँ पर जो आपका वॉच टाइम है, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ हैं, ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी न्यू यूट्यूबर हैं अगर वो सोच रहे हैं कि SEO स्कोर अपना कैसे बनाया जाए तो इस तरीके से आप हर एक वीडियो में अपना आप मेंशन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी कुछ जो SEO से रिलेटेड जो डाउट्स है वो आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई भी डाउट अभी तक आपकी बनी है तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे से जो भी नोटिफिकेशन आए उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।